हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग टाइम, आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा मैंने लेट शुरू किया, क्योंकि लेट उठते हैं तो लेट ही हो पाता है। तो आजकल जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मेरा सुबह एक्सरसाइज का रहता है, वैसे मैं पहले से भी डेली करती थी थोड़ा बहुत, आजकल थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दी है, पर मैं पहले भी डेली करती थी, कम करती थी, तो बीच में मैंने छोड़ दिया तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया था। बट आजकल मैंने फिर से वही अपना पहले वाला रूटीन स्टार्ट कर दिया है। अभी ये दोपहर का टाइम, फिर सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, सेम होता है। मैंने आप लोगों के साथ जो कल के व्लॉग में शेयर किया था वो ही रहता है। तो दोपहर के खाने में अभी मैंने बनाई है खिचड़ी, ये खिचड़ी और सलाद। खिचड़ी को तो क्या चबाना है, खिचड़ी प्रॉपर गली हुई होती है, तो सलाद मैं वही प्रॉपर चबा के खाऊंगी और फिर देखती हूँ इवनिंग तक का आपके साथ जो भी होगा वो थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। खाना खाने के 20 मिनट बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी और हल्का गुनगुना पानी। खाना खाया, किचन साफ करा, बर्तन धोए, फिर सीधे गई छत में और ये मैं कपड़े लेके आई, ये कपड़े फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा प्रेस करने हैं वो करूँगी। और पहले मैं ये पानी लाई हूँ हल्का गुनगुना, मतलब बहुत गर्म नहीं पीती हूँ, हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, ये पी लूँगी, क्योंकि जो हमारा खाना होता है ना वो अच्छे से पच जाता है और गर्म पानी बहुत अच्छा होता है अगर हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं। तो मुझे लगभग 2.5 महीने हो गया है गर्म पानी पीते पीते, पूरे दिन भर मैं लगभग 2 लीटर से ज़्यादा पानी पी लेती हूँ आजकल गर्म पानी, मतलब एक ही साथ नहीं, बार बार करते रहती हूँ, एक एक घंटे में बोतल में भर के रख देती हूँ गर्म पानी किया और फिर ऐसे कमरे में आ गई और पी लिया वही सिप सिप करके वैसे। तो ये कप है आजकल मेरा, इस कप से मैं पीती हूँ पानी, ये हल्का गुनगुना पानी है, बहुत गर्म पानी नहीं है, इतना गर्म नहीं पीना चाहिए, बस हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी पीने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही है, इसको मैं पीती हूँ और फिर कपड़े फोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी। खाना खाने के बाद मैं जब काम करती हूँ तो बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और टमी के लिए भी अच्छा रहता है। तो क्योंकि जो हमारे थाई होते हैं वो टमी पे प्रेस होते हैं तो इस वजह से टमी कम होती है, तो इसीलिए मैं घर के कामों के साथ ही अपना वेट कम करती हूँ, डाइटिंग मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। अभी है शाम का टाइम और 3:30-4 बजे के लगभग मैं थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ घर पे, जो भी होता है। आज मैंने लिया है पपाया, घर पे जो होता है वो ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ कुछ मार्केट से मंगा के खाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन फल या सैलेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है तो उस दिन मैं आधे कप चाय के साथ 2 बिस्किट ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 2 बिस्किट के लायक ही मैं चाय लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने, आज एक दीदी और आई है हमारे साथ मेहमान दीदी, ये फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहे हो, सबसे अच्छी दीदी है मेरी, मेरे वीडियो देखती है डेली और वीडियो देखती है और कमेंट भी करती है और कोई कमेंट नहीं करता है कभी कभी वो दीदी, और ये तो खैर डेली टाइम नहीं होता है फोन देखने का। हाँ दीदी का तो खैर बहुत काम है और ये वाली दीदी डेली ब्लॉग देखती है और कमेंट भी करती है, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो भैया गाइड और पालते हैं, ये तो शहर के लोग हैं। हाँ दीदी, घूमने का काम है और कुछ है नहीं, खाना पीना खाया। दीदी काशीपुर रहती है मार्केट में, हम लोग रहते हैं गाँव में, तो आज आई है दीदी हमारे साथ तो हमने कहा घूम के आते हैं। हमारे यहाँ पे पीछे खेत में मटर तोड़ रहे हैं सारे और सारी औरतें घास के लिए वेट कर रहे हैं, इधर की मटर तोड़ेंगे तो उसके बाद जो मटर का घास होता है ना तो वो ले जाएंगे करके, पूरा मटर तोड़ रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं घास के लिए। Thank you.
टहलने आने के बाद जिस दिन मुझे टाइम होता है तो फिर मैं छत में आके फिर अपनी एक्सरसाइज और थोड़ा सा फिर टहल लेती हूँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जब हम लोग डाइटिंग नहीं करते हैं तो उसमें मतलब हैवी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं वही एक्सरसाइज को मैंने ज़्यादा अपनी रूटीन में किया है और डाइटिंग कम, क्योंकि ना जब हमारा मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वॉक से आने के बाद जब हस्बैंड आते तो उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, काली चाय होती है। और फिर अभी टाइम हो रहा है 7 और मैं लेती हूँ डेली 1 बॉयल अंडा। सैटरडे और ट्यूसडे को नहीं लेती हूँ, उस दिन घर में जो भी फ्रूट्स होता है वो मैं ले लेती हूँ, और वरना डेली 1 बॉयल अंडा। और फिर अभी से अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना पानी चाय कुछ भी नहीं, बस अब कल सुबह से फिर वही रूटीन होगा, पहले पानी फिर ब्रेकफास्ट ये सब कुछ। ऐसे आए हैं हमारे वहाँ पे सब्जी लेने के लिए, ये है सुनीता। नहीं नहीं हमारे भी सब्जी है, अभी उड़ने वाली है ये, कई लोग उल्टे जिंदा डाल दिया। अभी हमारे सब्जी ना छोटी सी है, बढ़ जाएगी तो ये भी आएगी। सुनीता यहाँ पे स्कूल है ना उधर, उसका नट जाएगा था। स्कूल में खाना बनाती है तो जाएगा तब तो। मूली लेने आई थी, मैंने कहा यार वीडियो तो बनता है ना, सबूत होना चाहिए कौन ले जा रहा है। ये देखो मेरे को आशीर्वाद दे रही, तुम्हारे खेत में और हो जाएगा। सुनीता हर साल ऐसी दीदी ले जा रही है बेथुआ, कह रही है खापा बनाऊंगी और फिर मेरे को भी देगी। मैंने भी बोल दिया बहन, और एक दिन पहले दीदी ने बनाया था पर मैं बताना भूल गई थी, बहुत टेस्टी बनाया था। हाँ मैं